जय श्री कृष्ण। गीता क्या है? जिसके ज्ञान मात्र से ही मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। मनुष्य आत्मा परमात्मा के अंतर को जान जाता है। जो ज्ञान जो अनादि काल से भगवान हरि विष्णु ने पूरे देवता को दिया था, वो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। जब अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले ही गांडीव रख देता है, उस समय भगवान कृष्ण अर्जुन को उसके समस्त प्रश्नों का निवारण करते हुए गीता का ज्ञान देते हैं। कर्म और कर्तव्य को भगवद गीता कहते हैं। हमारे जितने उपनिषद और शास्त्र में जो भी कुछ कहा गया है, उन सारे ज्ञान को एक ही जगह एकत्र करके उनका सार निकाला गया है। सब शास्त्र का वही सार वही गीता है। गीता में वो शक्ति मिलती है, वो शांति मिलती है, वो समाधान मिलता है जो और कहीं नहीं मिलता। जब जब मनुष्य निराशा के अंधकार में गिर जाता है और उसे कोई आशा की किरण नहीं दिखाई देती, तभी गीता को पढ़कर उसमें एक ऐसा श्लोक मिल जाता है जिससे हर प्रश्न का समाधान हो जाता है और विपत्ति के बीच में भी फिर से होठों पर मुस्कान आ जाती है। दोस्तों, गीता कर्म ज्ञान भक्ति की एक गंगा है जो युग युग से इस धरती पर बह रही है। जैसे एक नदी हर मनुष्य की प्यास बुझाती है, ये पूछे बिना कि वो किस जाति किस रंग किस धर्म का है। ठीक उसी प्रकार गीता जाति धर्म और देश में भेदभाव किए बिना समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहती रहती है। गीता का कमाल ये है कि किसी भी मानव मन और आत्मा में कोई भी प्रश्न हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो आदि भौतिक या सांसारिक हो, हर प्रश्न का उत्तर गीता में मौजूद है। हम सबके मन में अक्सर ये सवाल आते हैं कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा का मिलान कैसे हो सकता है, सांसारिक जीवन में मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आत्मा क्या है और परमात्मा क्या है। हमारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर गीता में मौजूद है। श्रीमद् भगवद गीता हमारे धर्म ग्रंथों का एक अत्यंत तेजस्वी और अनमोल हीरा है। मनुष्य मात्र के पुरुषास्त्र की अर्थात आध्यात्मिक अवस्था की पूर्ण पहचान करा देने वाला, भक्ति और ज्ञान का मेल करके इन दोनों का शास्त्रोक्त व्यवहार के साथ संयोग करा देने वाला और मनुष्य को शांति देकर उसको निष्काम के आचरण में लगाने वाला। गीता के समान बल बोध ग्रंथ समस्त संसार के साहित्य में कहीं नहीं मिल सकता। सारे उपनिषद गौ हैं, उन शस्त्र रूपी गवाय से जो ज्ञान रूपी दूध निकला है वही गीता है। इस गीता रूपी दूध को धोने वाला गवाले का पुत्र कृष्ण है और अर्जुन बछड़ा है जो कृष्ण रूपी गवली की मदद से गीता अमृत रूपी दूध पी रहा है। वास्तव में गीता ज्ञान भक्ति और कर्म की एक गंगा है जो युगों युगों से इस धरती पर बह रही है। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियोस को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आप तक पहुंच सके। राधे राधे।